बिजनौर में एक रोडवेज बस की टक्कर में दो दोस्तों की मौत हो गई है। हादसा गांव पावटी में बस अड्डे के पास हुआ है। गांव पावटी के रहने वाले छोटे सिंह का इकलौता बेटा वंश अपने पिता की दवाई लेने पेजनिया गया था। उसके साथ उसके ही गांव के दो लड़के कार्तिक और लवी भी बाइक पर ही सवार थे। जब ये दवाई लेकर वापस आ रहे थे तभी तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज की बस ने इन्हें सामने से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार कार्तिक और वंश की मौत हो गई और इनका दोस्त नानू बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया। ये गए तीनों की क्रेटा गाड़ी से ओवरटेक कर रहे, दो गाड़ी से ओवरटेक कर रहे, दो चलन दियो ये पीछे ही पड़े तीनों नीचे, ये रहे फिर गाड़ी बस नहीं।